भक्त चरितांक में आज हम सुनेंगे महर्षि रिभु के बारे में। महर्षि रिभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल, विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहां कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि रिभु एक दिन पुलस्त ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पुलस्त का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि रिभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्ण रटा जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान ना हो तो वह किस काम का है? निदाघ, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि रिभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की, निदाघ जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीर नगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया। बहुत दिनों के बाद रिभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया, महाराज भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहां रहते हैं, कहां से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि रिभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है। मैं प्राण नहीं हूं। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं ना आता हूं न जाता हूं और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूं। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण त्रयवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि रिभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु रिभु हूं।
निदाक को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरीश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाग एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाग झटपट उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूं, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूं तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूं। यह बात सुनते ही निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृति चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजाने में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाए तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्य वह मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठ हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे वहां से चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। आज भी महर्षि ऋभु हमारे पास न जाने किस रूप में आते हैं। उन्होंने न जाने निदाग जैसे कितनों को संसार सागर से पार उतारा है। तो भक्त चरितांक में आज के लिए इतना ही। इससे पहले के ऑडियोज अगर आप लोगों ने नहीं सुना है जो भक्त चरितांक से संबंधित है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर एक हैशटैग है भक्त चरितांक, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक मैंने जितने ऑडियोज अपलोड किए हैं जो भक्त चरितांक से संबंधित हैं उसे आप सुन सकते हैं। तो अगले दिन हम सुनेंगे महर्षि कश्यप के बारे में। अगर आप भक्त चरितांक को परचेज करना चाहते हैं, ये गीता प्रेस से प्रकाशित होता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।